हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए इग्नू की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन रखिएगा। जितने भी वीडियोस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे सबके नोटिफिकेशन आपको मिलने ज़रूरी हैं। तो हम बात कर रहे हैं दिसंबर एग्जामिनेशन के बारे में। फ्रेंड्स, 1 दिसंबर से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके रिगार्डिंग इग्नू की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें आपको बताया गया है क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है अगर आप एग्जामिनेशन में अपियर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं। सो आप सभी स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं, ये जो रीजनल सेंटर दिल्ली 2 की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन है, बट ये सभी स्टूडेंट्स पर लागू होता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो दिसंबर 2023 डमेड एग्जामिनेशन में अपियर करने वाले हैं, चाहे वे किसी भी प्रोग्राम से हों, किसी भी रीजनल सेंटर से हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टडी सेंटर और एनी प्रोग्राम कोर्स और एनी रीजनल सेंटर, ये सब पर ही लागू होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, सो इसको ध्यान से जरूर समझिएगा। अगर आप इग्नू में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया है आपके आंसर शीट के बारे में। सो एनरोलमेंट नंबर आपका 9 डिजिट का हो या 10 डिजिट का हो, आपको उसे किस तरह से फिलअप करना है, ये आंसर कॉपी आपको दी जाएगी, उसे बहुत ही केयरफुली फिलअप करना है अपनी आंसर कॉपी को। अगर आप नहीं जानते कि अपनी आंसर कॉपी किस तरह से फिलअप की जानी चाहिए, सो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल्स मैंने आपको समझाई है, डूज एंड डोंट्स आपकी आंसर कॉपी के बारे में सभी चीजें बताई गई है। सो यहाँ पर देखिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें भी बताया गया है, यहाँ पर आप कोष्टक देख सकते हैं, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं फ्रेंड्स, ये 10 ब्लॉक्स हैं। अगर 1-1 ईच आप लिख सकते हैं और 10 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे, बट अगर आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तो आप अपने एनरोलमेंट नंबर को फ्रेंड्स स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद एंड में आपको क्रॉस का साइन मेंशन करना है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, सो देन क्रॉस आपको अंकित करना है, यहाँ पर भी बताया गया है क्रॉस का चिन्ह आपको लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर कॉपी दी जाती है जिसमें इनफ पेजेस होते हैं आपको आंसर लिखने के लिए। वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, पर्टिकुलर कि आपको कितने पेजेस दिए जाएंगे, आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, आपका 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर है या 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है या किसी और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके, उस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस होने वाले हैं। बट इट इज क्लियरली मेंशन, नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड, कोई आपको अलग से शीट नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए अपने आंसर शीट में कोशिश कीजिएगा कि कोई भी आप जगह वेस्ट ना करें, साइड्स छोड़कर या फिर बहुत सारी लाइंस को छोड़कर कुछ स्टूडेंट लिखते हैं तो वो आप ना करें। सो थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो वहां पर आपको बताया गया है जब आप अपने एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो आपको अटेंडेंस शीट पर भी अपने साइन करने जरूरी है, नाम एवं अनुक्रमांक मतलब नेम एंड एनरोलमेंट नंबर के सामने आप अपना साइन जरूर कीजिएगा, वो जरूरी है। अटेंडेंस शीट पर अगर आपके सिग्नेचर नहीं होंगे तो भी आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है वो चेक नहीं किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि जो आपकी आंसर कॉपी है उसके ऊपर आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए, इनविजिलेटर के सिग्नेचर भी होने चाहिए और ये स्टैंप आप देख पा रहे हैं, ये स्टैंप भी होनी चाहिए। ठीक है, जब ये तीनों चीजें होंगी तभी मान्य होगा और अटेंडेंस शीट पर भी जरूर आपको सिग्नेचर करने हैं। और ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको हॉल टिकट जरूर लेकर जाना है। आई एम होपिंग कि आप सभी ने अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया होगा, कुछ इस तरह से आपका हॉल टिकट दिखता है। फोटोग्राफ अगर नहीं है तो फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर पेस्ट कर लीजिए और सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए, अगर है तो वेल एंड गुड है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक आपको फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट लेना है जिसमें आपकी डिटेलिंग्स और आपकी डेट शीट होनी जरूरी है। सो आपको अपना हॉल टिकट भी जरूर लेकर जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जितने भी दिव्यांग जन है तो उन्हें एग्जामिनेशन के लिए अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टेक्ट करना जरूरी है, अगर वह चाहते हैं कंपनसेटरी टाइम या एक हेल्पर चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें वहां पर मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है इग्नू का आईडेंटी कार्ड आपको ले जाना जरूरी है। गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन है ये इस तरह से आपका इग्नू का आईडी दिखता है। अगर आपको नहीं पता इग्नू का आईडी कार्ड किस तरह डाउनलोड करना है, उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो डाउनलोड कर सकते हैं, बट इसको एग्जामिनेशन में लेकर जाना बहुत जरूरी है। आपको अपना हॉल टिकट भी लेकर जाना है और इग्नू का आईडी कार्ड भी लेकर जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको कोई भी डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ कोई भी नोट्स या किताबें भी अंदर आप एग्जामिनेशन हॉल में आप कोई बुक्स या नोटबुक्स भी लेकर नहीं जा सकते। और कैलकुलेटर अगर आपके एग्जामिनेशन में जरूरी है तो आप जरूर लेकर जा सकते हैं, बट अगर मेंशन है कि यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये परीक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग भी ऑलरेडी चैनल पर डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। सो कोई भी कंफ्यूजन है कि हम किस माध्यम में अपने आंसर को लिखें, हम किस माध्यम में अपने
उत्तर को लिखें, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें एग्जामिनेशन को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें किसी भी प्रोग्राम को ऑफर नहीं किया गया। जिन प्रोग्राम्स को ऑफर किया गया है जिन लैंग्वेजेज में, उसी लैंग्वेजेज में आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन है वो आपके क्वेश्चन पेपर पर ही मेंशन होगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि हमारा एग्जामिनेशन कितने समय का होगा। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप एक बार जरूर कंफर्म कर लें कि आपका एग्जामिनेशन कितने समय का होने वाला है। और जो भी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका जो होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कोर्स का होने वाला है। तो किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन आप ना रखें। और अगर आप चाहते हैं परीक्षा की तिथि या सत्र में परिवर्तन, मतलब अगर आप चाहते हैं डेट चेंज करना, तो वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं की जाएगी। कोई भी चेंजेस अब आपके सेशन में या डेट में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है आपको, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है उसके 15 मिनट्स के बाद आपको जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 10 बजे का समय है, तो आपको 10:15 के बाद एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। 10:15 आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर कर रहे हैं, तो जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन है उससे 1 घंटे पहले तक, मतलब बिफोर 1 आवर तक आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब आप अगर चाहते हैं कि आंसर स्क्रिप्ट आप दे दें टीचर को और आप बाहर चले जाएं, तो वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। हॉल टिकट के बारे में फ्रेंड्स, ये बहुत सी डिटेलिंग्स यहाँ पर बताई गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको बताया गया है किसी भी स्टूडेंट को आंसर कॉपी अपने साथ ले जाने नहीं जाएगी। अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट करता है तो उस पर UFM इम्पोज कर दिया जाएगा और उसकी पुलिस रिपोर्ट भी की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, वो आपने जो चूज किया था, कोशिश की गई है आपको वही दिया जाए, बट अगर किसी भी कारणों से चेंज हो गया है तो उसे आपको मानना होगा, क्योंकि ये जो राइट्स हैं वो यूनिवर्सिटी ने अपने पास ही रिजर्व रखे हैं। सो फ्रेंड्स, ये सभी गाइडलाइंस सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।